नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप की तबाही से दहल गई। शुक्रवार देर रात आए भूकंप के चलते नेपाल में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। अभी मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार भूकंप से कई इमारतें ढह गई और लोग मलबे में दब गए। भूकंप के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली, राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में देखा गया है। बड़ी खबर आज की, नेपाल में एक बार फिर धरती कांपी है। एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार आधी रात भूकंप के तेज झटके नेपाल में महसूस किए गए। भारत में भी दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, नेपाल का, और यहां पर 129 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। नेपाल के जोजावर में ये भूकंप का केंद्र रहा। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भूकंप में कई इमारतें ढह गई हैं, लोग मलबे में दबे हुए हैं। भूकंप के बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। इमारतों में मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र की ओर से बताया गया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने राहत और बचाव के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली, राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में देखा गया है।